अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फॉरवर्ड टेक। तो दोस्तों आज बात करेंगे कैनवुड के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन के एरर कोड्स के बारे में, जिसमें एरर 17 और एरर 20 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने टेबल पर देखें, ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन तैयार की हुई है, ठीक है, जिसमें हम आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो जब भी एरर 17 जो है वो डिस्प्ले पे आ जाएगा तो उसका मतलब ये है कि वो आउटडोर पीएफसी जो फॉल्ट है या एरर है, ठीक है जी। तो जब भी ये एरर आएगा तो ये जो पीएफसी जो है जो ख़ुद से वो स्टैंड करता है, उसका मतलब ये है कि पावर फैक्टर करेक्शन। तो ये काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है, इसके ऊपर तफसील के साथ वीडियो हम फिर कभी बनाएंगे, लेकिन आज चूँकि हमारा एरर 17 है जो कि कैनवुड के डीसी इन्वर्टर पे आता है, तो उसका मतलब आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये सेटअप सारा हमने यहाँ पे रेडी किया हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो पावर करेक्शन जो है वो नॉर्मली, छोटी सी मैं उसकी आपको डेफिनेशन बताऊँगा कि वो क्यों यूज़ किया जाता है सिस्टम में, ठीक है, ताकि जो हार्मोनिक वो हैं वेव्स हैं उनको कम से कम किया जा सके, ठीक है, ताकि जो रिएक्टिव जो वेव्स हैं उनको कम कर दिया जाए और एक्टिव वेव्स या एक्टिव जो इलेक्ट्रिक है उसको सिस्टम में दे दिया जाए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम करे, ठीक है। तो उस रिएक्टिव जो इलेक्ट्रिक है या वेव्स हैं उनको कम करने के लिए सिस्टम में कुछ चीज़ें इंस्टॉल की जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है जी रिएक्टर, ठीक है, कैपेसिटर्स या इंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो आप जब भी ये फॉल्ट आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपके आउटडोर पीसीबी में या तो उसका जो रिएक्टर, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर की तरह होता है लेकिन इसको रिएक्टर बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखें, ये 8 एम्पेयर का रिएक्टर है, ये यहाँ पे हमारे पास कुछ और किस्म का है, ये 5 एम्पेयर का है, और ये देखें ये इससे बड़ा है तो ये 14 एम्पेयर का है। यानी कि जितना बड़ा सिस्टम उतना बड़ा रिएक्टर, उतना बड़े कैपेसिटर्स, ठीक है, या इंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर छोटा सिस्टम है तो छोटे सिस्टम के हिसाब से यूज़ किया जाता है कि जितनी उसमें करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक का फ्लो होगा, उतना ही उस सिस्टम के मुताबिक यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो कैनवुड का डीसी इन्वर्टर है, इसमें देखें ये रिएक्टर यूज़ किया गया है, ठीक है, 8 एम्पीयर का। इसके अलावा अगर ख़राब होगा तो देखें इसमें एक इंडक्टर यूज़ किया गया है, ठीक है, और इसका कैपेसिटर्स यूज़ किए गए हैं जो कि इसकी जो रिएक्टिव जो वेव्स हैं या इलेक्ट्रिक है उसको कम कर देते हैं, और जो स्मूथ इलेक्ट्रिक है या एक्टिव इलेक्ट्रिक है उसको आपके सिस्टम में दाखिल कर देते हैं, ठीक है, जिससे वो बेहतरीन काम करता है। तो जब ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी इनमें से कोई एक चीज़ या फिर इलेक्ट्रिक तेज़ आ जाएगी, तो फिर ही ये आपको पीएफसी एरर शो करेगा, यानी कि एरर 17 डिस्प्ले पे आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें इसकी ख़राब होंगी तो तभी ये ऐसे काम करेगा। तो बाकी आप चलते हैं अगले एरर कोड की तरफ, और देखें यूनिट इस वक्त काम कर रहा है और जो है वो बंद हो गया यूनिट, अभी एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा, तो हम मुकम्मल तफसील से बताएंगे क्योंकि ये एरर आ चुका है। देखें ये एरर 20 जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तो लाइट ऑफ कर देंगे ताकि आपको ये एरर अच्छे से नज़र आ जाए। देखें अभी ये फ्लैश करेगा क्योंकि लाइट बहुत तेज़ थी, तो इस वजह से देखें एरर 20 जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है, ठीक है जी। तो हम मुकम्मल तफसील से बताएंगे आपको कि जब भी ये एरर डिस्प्ले पे शो हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों आता है, ठीक है जी। तो आइए चलते हैं आउटडोर की तरफ। तो दोस्तों इस वक्त देखें आपको आउटडोर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो इसका कवर हमने ऑलरेडी खोल लिया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉल्ट जब भी आएगा कैनवुड के डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर पर, तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी आउटडोर फैन मोटर है वो किसी भी वजह से जाम हो चुकी है, चल नहीं रही है, ठीक है, काम नहीं कर रही, तो ये एरर कोड जो है वो आपका डिस्प्ले पे शो होगा। लेकिन ये देखें ये फ़ैन बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत सख्त चले, थोड़ा सा हल्का सा पुश करने से रुक जाए, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी जो फ़ैन मोटर है ये जाम हो चुकी है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर देखें ये यहाँ पर इसका कनेक्टर होता है, ठीक है जी, ये देखें ये इसका कनेक्टर कुछ इस पोजीशन में लगा होता है, तो इनमें से कोई भी एक वायर जो है टूट जाए, ठीक है, तो यहाँ ये 5 वायर से वो हैं डीसी मोटर है, तो इस वजह से अगर कोई मोटर इसकी वायर टूट जाएगी कहीं से भी तो ये काम नहीं करेगी इसकी फ़ैन मोटर, ठीक है, आउटडोर की, तो ये जो आपको एरर जो है वो 20
डिस्प्ले पे शो करेगा। इसके अलावा ये कनेक्टर अगर लूज़ हो जाए, जैसे देखें ये बाहर निकला है ऐसे मिसाल के तौर पर, और लगाना भूल जाएँ तो फिर भी एरर 20 शो ही करेगा। अगर ये लूज़ कनेक्शन हो, ठीक है, वाइब्रेशन से इसके पॉइंट्स बास का जो है वो क्या कहते हैं उनको लूज़ हो जाते हैं और वो उनके साथ एक दूसरे के साथ जो इलेक्ट्रिकली टच नहीं होते सही तरह से, तो ये फिर भी एरर 20 ही शो करेगा। तो फिर इसका तरीक़ेकार ये है कि एक दफ़ा आप इसके कनेक्टर को बाहर निकाल लें और दोबारा इसको प्रेस कर दें तो ये जो है वो एरर 21 इससे चांस होता है कि ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसके लिए था। इसके अलावा इसमें जो हो सकता है पॉसिबल फॉल्ट, अगर आपका पीसीबी जो है वो फॉल्टी हो जाए और उससे इलेक्ट्रिक ही फैन मोटर को ना आए तो फिर भी जो है वो आपको एरर 20 ही शो करेगा। ठीक है, तो उसमें फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें 320 5 वोल्ट 15 वोल्ट ठीक है और फीडबैक और ग्राउंड होता है। ठीक है, तो इनमें से देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ नहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन फाइव में से कोई भी चीज़ अगर अवेलेबल नहीं होगी पीसीबी में तो फिर भी ये एरर 20 ही शो करेगा। तो उसके लिए फिर पीसीबी को चेक करना पड़ेगा। तो अगर पीसीबी में फॉल्ट है उसको ठीक कर लें तो ये आपका फॉल्ट डिस्प्ले से गायब हो जाएगा और यूनिट दोबारा से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगे और जब भी ये एरर्स आएंगे तो आप इनको आसानी के साथ जो है हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो देखते रहें फॉर अवर।